मुझे गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं और मैं ये एग्जीबिशन कोई 31 के करीब पेंटिंग जो है नई बनाई है, 1.25 साल हुआ है, और क्योंकि इन्होंने शर्त लगाई थी कि सारी नई पेंटिंग्स होनी चाहिए। मेरे जो है ना, इसका टाइटल भी इन्होंने रखा है एसेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि लैंडस्केप्स ऑफ पाकिस्तान यू कैन से। और इसमें मैं तो लाहौर की गलियाँ कूचे, शहर और खेत, पहाड़ों, पाकिस्तान की लैंडस्केप्स को पेंट करता हूँ। बेसिकली मैं स्लूप जो है वो बेसिकली रियलिस्टिक है, और इसमें आप देखेंगे पूरी वैरायटी है। मैं फिर सीज़न के सीज़न जो है पेंटिंग करता हूँ, मसलन अमलतास का सीज़न आता तो मैं अमलतास करता हूँ, रेड ट्री का सीज़न आया रेड ट्री करता हूँ। तो इस तरह सरसों के आप देखेंगे तस्वीरें हैं, और इसी तरह पहाड़ों की तस्वीरें हैं। तो पाकिस्तान जो है ना, मैं नेचर से इंस्पायर होकर पेंटिंग करता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का शो आज यहाँ, इस शो को देखकर फनकार के काम से और फनकार की अपनी सलाहियत से बखूबी उनकी पहचान और रंग कलर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे मुल्क का एक लेजेंड है तो उसके काम खुद अपनी ज़ुबानी बोलता है। और फनकार के अंदर का जो इनर उसके फीलिंग्स निकाल के जब पेंटिंग्स के ऊपर रंगों के ज़रिए अपनी ज़ुबान का इजहार करता है, तो इसके ऊपर गुलाम मुस्तफ़ा साहब को अपने रंगों पे कमाल भी हासिल है, और उनको उनकी जो एप्लीकेशन है और उनकी फीलिंग्स और उनके काम के कलर प्लेट उनकी पहचान है। मैं समझता हूँ कि इस फनकार को जब हुस्न कारकर्दगी दिया गया तो उसकी पहली बुनियादी वजह यही थी कि इन्होंने अपने स्टाइल को मैच्योर करके अपने सिग्नेचर वर्क के तौर के ऊपर उन्होंने पहचान कराई, और इस काम को आज तक लोग गुलाम मुस्तफ़ा साहब के नाम से पहचाना जाता है। और इसके काम के अंदर जुदागाना रंग है, और लाहौर की उन गलियों को स्ट्रीट को किया है जो कि इससे पहले किसी और आर्टिस्ट ने इस तरह नहीं किया था। ऑयल पेंटिंग्स के कलर और इसकी बोल्डनेस इम्प्रेशनिज्म का एक जुदागाना इम्तिजाज है जो कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब का अपना ही एक रंग और फीलिंग्स जो है इसके अंदर नुमाया दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि इस फनकार के लिए इस काम को हमारे मुल्क की ये पहचान है और हमारे मुल्क का ये लेजेंड है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने, गुलाम मुस्तफ़ा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान के बहुत ही नामवर आर्टिस्ट हैं। इनका ये आर्ट सिटी में जो शो है, सोलो शो, इनका काम देख के इतना दिल खुश हुआ है। ख़ास तौर पर इनकी जो बड़े साइज़ की जो पेंटिंग्स हैं उनमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, और इन्होंने इतनी खूबसूरती से इनको स्ट्रोक और कलर्स लगाए हैं, परफेक्ट कलर और परफेक्ट स्ट्रोक है इनके। गुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत सीनियर, बहुत ही नामवर हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम है, और इसके अंदर जो देखने से ताल्लुक़ रखती है चीज़ वो कि किस तरीके से हमारा जो अंदरून शहर उसको जो है ना इन्होंने पेंट किया है, और बहुत ही मतलब खूबसूरत काम किया है इन्होंने। रंग वार्म कलर, कूल कलर, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बैलेंस करके लगाना एक फ़न है, और यकीनन जो इनका इतना तजर्बा है वो इसके अंदर हर पेंटिंग में दिखता है इनकी। और ये एक खूबसूरती जो है हमारे शहर की वो एक मुख्तलिफ तर्ज से दिखाता है, जिस तरीके से हम आम आदमी देखता है
शहर को एक आर्टिस्ट उससे बिल्कुल हट के देखता है, और यहाँ आके एक आम आदमी के आर्टिस्ट किस तरीके से देखता है अगर उसने देखना हो तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब का जो काम है उसको देखे तो बहुत कुछ उसको सीखने में मिलेगा।